दोस्तों फाइनली निसान इंडिया ने अपनी अपकमिंग 3 SUVs को अनवेल कर दिया है। निसान की एक ऐसी हुई टेस्टिंग के दौरान नजर आई और ये भी कहा था कि इसके ग्लोबल मॉडल एक्स ट्रेल से काफी मिलती जुलती है। इसकी ग्रिल और उसके कुछ दिन के बाद ही निसान इंडिया ने इन 3 ऐसी हुई इस को अनवेल कर दिया है, जिनमें से एक स्टाइल को इंडिया में टेस्ट किया जा रहा है। उसकी टेस्टिंग के दौरान कई बार पिक्चर सामने आ चुकी है। सभी गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल इंडियन कार रिव्यू सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। जहां पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और निसान की कई गाड़ियों से पहले मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन यहां पर ज्यादा अच्छा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन मैग्नेट नेहा करके काफी कुछ चेंज कर दिया है। जिस वजह से निसान की आगे की स्ट्रेटेजी जब ही इसी हिसाब से होंगी के आने वाले सभी प्रोडक्ट्स एक बड़ी हिट साबित हो। ये 5-7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आने वाली है। इसमें आपको 2-व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव वाले वर्जन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के अलावा यहां पर पावर वाले वैन्स भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं सेगमेंट में एक्स्ट्रा 5 क्रॉस कंपास टाइगन और होंडा जैसी गाड़ियों को राइवल करेगी। साथ ही साथ दोनों ही 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आने वाली एसयूवी रहे, जहां पर काश कहीं मैं आपको टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन माइल्ड हैबिट के साथ भी मिल जाएगा और इसके भी एम्पावरमेंट यहां पर लाए जाएंगे। इसके अलावा जो निसान की है ये भी 5 सीटर एसयूवी रहने वाली है। जिस तरीके से निसान की किक्स आती है, यहाँ पर जो इसका ऑल ओवर डिजाइन है वो काफी प्रीमियम रखता है। एक कर वीसा डिजाइन दिया हुआ है, डिजाइन इसका बनाया हुआ है। यहाँ पर इसमें आपको एक 6 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन में देखने को मिल जाएगा और इसके अलावा मार्केट में ये टोयोटा हाइलाइटर और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों को राइवल करेगी। प्राइस पॉइंट भी इसी के हिसाब से रहने वाला है। तो ये 3 एसयूवी भारत में आने जा रही है, जिनमें सबसे ज्यादा चांसेस है कि एक्स्ट्रा को सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा, जो सेगमेंट में C5S क्रॉस जीप कंपास टैग उनको राइवल करेगी। लेंथ में, विड्थ में, हाइट में ये तीनों में बड़ी है। इन तीनों एसयूवी से साथ ही साथ इसके बेस वेरियंट और टॉप वेरियंट दोनों में ही 19 चेस के टायर्स मिलेंगे। इन C5 एक्रॉस, कंपास और टैगोर इन तीनों ही टायर्स नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको टर्बो माइल्ड हाइब्रिड इंजन और टर्बो हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फ्रंट व्हील ड्राइव और 4-व्हील ड्राइव के ऑप्शन में ज्यादा पावरफुल, ज्यादा टोर की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये गाड़ी आने वाली है। भारत में इस गाड़ी को कब लॉन्च किया जाएगा, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में इसको लॉन्च किया जा सकता है। और भी डिटेल सामने आएंगे तो हम डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे। तीनों एसयूवी इसका अलग अलग, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड प्राइस क्या रहेंगे, उनके बारे में और क्या जानकारी आई है, किसको राइवल करेंगे, ये डिटेल वीडियो में बताएंगे। अभी ये एक्सक्लूसिव वीडियो था इन तीनों ही एसयूवी के बारे में आपको जानकारी देने का, जहां पर आने वाले कुछ महीनों में आपको मिलने वाली है। निसान की एक्स्ट्रा निशांची और भारत के अंदर आएगी, जिसमें से एक्सट्रीमली 7 सीटर में आपको मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।